नमस्कार, बिस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वरुण अवस्थी। तो पाकिस्तान के झूठ पे मुझे अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, चल झूठा। पाकिस्तान कहता है कि उसने इंडिया पे अटैक करने के लिए F-16 का नहीं J-17 का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसका यह झूठ पकड़ा गया क्योंकि US डिफेंस ने और ताइवान ने भी इसको गलत साबित कर दिया। मतलब जो $1.2 मिलियन की जो मिसाइल थी, तकरीबन 8 करोड़ रुपए की मिसाइल, वो तो नुकसान हुआ भी, नाक और कट गई। मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल नहीं वैसे, आसान भी है काफ़ी। अगर वो चाहें तो आतंकवाद ख़त्म कर दें अपने यहाँ और हम उनको नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। वैसे यहाँ आपको एक बात और बता देंगे, जो मिसाइल थी एमराम, ये F-15, F-16, F-A-18, F-22, ग्रिपन, टॉर्नेडो और हैरियर जैसे जेट्स में यूज़ होती है। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, पर पाकिस्तान की आदत है, बेवकूफ़ बनाने की आदत पड़ गई है पाकिस्तान को। वो सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी सारी बातें आंखें बंद करके मान लेगी, ऐसा नहीं होने वाला। देखते हैं इसी पे हमारी ये खास रिपोर्ट। $11 लाख की अमराम मिसाइल पर पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ। भारत के खिलाफ F-16 विमान इस्तेमाल करने को लेकर पाकिस्तान का बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। ताइवान की वायुसेना ने पाकिस्तान के AIM-120C5 एमराम मिसाइल के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका की कार्रवाई से बचने के लिए ताइवान से खरीदने की बात की थी। ताइवान की वायुसेना ने प्रेस रिलीज कर जारी कर पाकिस्तान के दावे को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि जिस सीरियल नंबर की मिसाइल पाकिस्तान ताइवान से खरीदने का दावा कर रहा है, वो मिसाइल ना तो हमने पाकिस्तान को दी है और उसका सीरियल नंबर भी हमारे सैन्य हथियारों से मैच नहीं करता। क्या था पाकिस्तान का दावा? गौरतलब है कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि भारत के इलाके में गिरी मिसाइल को F-16 से नहीं दागा गया था, बल्कि कॉम्बैट में चीनी लड़ाकू विमान F-17 का इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल को पाकिस्तान अमेरिका द्वारा ताइवान को बेची गई मिसाइल बता रहा था, लेकिन ताइवान ने प्रेस रिलीज जारी कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारत ने दिए F-16 विमान होने के सबूत। मालूम हो कि भारतीय सेना ने हाल ही में अपने इलाके में पाकिस्तान द्वारा F-16 के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत के तौर पर अमेरिका मेड AIM-120C5 मिसाइल के अवशेष पेश किए थे। भारत ने यह दावा किया था कि इस मिसाइल को पाकिस्तान के F-16 में लगाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। क्या है एमराम मिसाइल? अमेरिका मेड एमराम मिसाइल एडवांस्ड मीडिया रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। अमेरिका मेड ये मिसाइल विजुअल रेंज के बाहर जाकर मार कर सकती है। इसका इस्तेमाल दिन और रात में आसानी से किया जा सकता है। जी हाँ, तो पाकिस्तान को अगर कुछ अच्छा करना है अपने देश के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए, तो सबसे पहले उसे झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अपनी गलतियों को, खत्म करना पड़ेगा आतंकवाद को, वरना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अपने आप। भारत एक अच्छा पड़ोसी है और ये एडवाइस एक अच्छे पड़ोसी की एक पड़ोसी को है। देखते रहिए बिस्तक। धन्यवाद।